तो बता शहरे गायब रह गायब गेट बंद कर गए कोई भी बताओ आए हो मैं तो हर चीज में जहाँ भी रहता है मैं पहुँचता हूँ फोन में ना डालते कंडेरा हमारे साथ झगड़ा हुआ कंडेरा हमारे साथ झगड़ा हुआ मेरा कोई भी आज तक उसका कोई मैटर पता ही नहीं लगा उस केस का क्या फैसला कर लिया कंडेरा सेंटर पे महावीर चौकीदार है गुंडों ने चोरों ने उसके नखून पाड़ लिए उसी के ऊपर मिल प्रशासन ने प्रेशर दे दिया तेरे पे 6 लाख या 60 हजार रुपए का जुर्माना है तू ड्यूटी पे जाते रहे नखून क्यों पे थे क्या कानून है यू है कोई जवाब है कोई जीएम ऐसा जो जवाब दे इस बात का एक गरीब आदमी है जो बेचारा अपना बटनी कहाँ वो 60 हजार रुपए का जुर्माना देगा इस मिल में भरपाई करके कहा बाटो की यहाँ से वो रिटायर हो वो आज तक रोता भी है उसका लेटर पेंडिंग में पड़ा किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी मतलब मदन का पैर कट गया कोई कर्मचारी मेरे वहाँ गया मीन का मैं खुद और मैं उसे खुद ब्लड दे के आया उसे उस कर्मचारी को मैं ब्लड दे के आया मनोज जोगट गन्ना बचाया था नहीं मिला ये सब खड़े गन्ना बचाया था ये बोले ये सारा गन्ना इकट्ठा करके ए पे डाल दो पेमेंट दिलवा देंगे हम उसके घर आज तक बात है नहीं गया सिंपल सी बात है ना आज तक नहीं गया ना चाहता कोई एलर्जी ना मैं आपसे ठीक है ना होने भी नहीं हमें अपना हक मांगने दो तो अगर ये बात कोई गलत हो हक के लिए अगर ये गलत है गलत है तो हम अपने घर चले जाएंगे सारे जाट के बच्चे दो दो चार चार बीघे महल नाम जमीन है हम सिर मार कर दो पैसे दो रोटी कमा लेंगे उसमें से हक के लिए कोई मना ठीक है ना ना हम किसी को गाली दे रहे ना किसी को दोषी ठहरे रहे हम सिर्फ उन्हें कानून याद दिलाओगे अब ना हमें किसी जिसने भी टेंडर लिया जिसने भी छुड़वाया ना हमें उस आदमी का कोई एलर्जी ना कोई दुश्मनी हमारे किसी गैर कोई दुश्मनी नहीं बेटा देखो एक चीज मैं बता रहा हूँ जब तुम्हारी हम लोग जब आप जीएम साहब ने भेज दी जीएम साहब खुद की नहीं आई आधा घंटा पहले हमें अलग कर दिया इतना हाथ धुंधली ना चलाओ मैं ये कह रहा हूँ अगर तुम लोग को नौकरी से अलग कर रहे होते कि नहीं भाई तुम लोग हटो और प्रूफ क्या है भाई अलग ही नहीं हो रहा ये मामला अलग ही है बेटा पैदा होता है ना और स्कूल में पढ़ने जाता है उससे भी सर्टिफिकेट मांगा जाता है जब एक बार कैसे नहीं होता भाई मेरे कर्मचारी तो हम है एक चीज बताओ इसके लिए लड़ना चाहिए आप लोगों को गवर्नमेंट से गवर्नमेंट से यहाँ काम कर रहा हूँ मुझे यहाँ गवर्नमेंट से मुझे आप इस पद पर समायोजित करो मुझे हमारी सरकार है मतलब चलो हम गवर्नमेंट चलो देखेंगे कोई नहीं लड़ा जिस समय यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुए थे और उसके बाद अपॉइंटमेंट को गवर्नमेंट ने ही कैंसिल कर दिया उस समय गवर्नमेंट के ऊपर जाके धावा बोलना चाहिए था कि मेरे अपॉइंटमेंट क्यों कैंसिल करा इन्होंने कभी धरना दिया था इस मील में इसी प्रकार का 12 दिन की जेल काट का ही जब तो हो रहा इवली होगा पर ये तो मील के ताला लगेगा मेरे खेत में किसान खाएंगे और या फिर यहाँ सही रास्ते पे काम होगा होगा हम कराओगे अधिकारी की तनख्वाह चली जा कर्मचारी की तनख्वाह जब हम बसाना जा रहे हैं किसी तो हम बताओ अरे अधिकारी की तनख्वाह चली जाए एक अगर कर्मचारी चर्चा जाता नहीं जाती बताओ बातों में एक दिन के पैसे गए मरेंगे चलो ठीक है तुम लोग अरे एक बार मरना रोज रोज आप हमें बठाने के लिए आए और बेचने के लिए आने तो राम दस इसी में अगर जीएम साहब खुद आकर यहाँ अपना मैसेज अपने मुंह से व्यक्त करेंगे तब नहीं तो हम उनसे पहले किसी की बात मानने वाले ही नहीं चलो तुम्हारी इच्छा बात खत्म आप आए यहाँ बहुत सम्मान है आप बैठो हमारे चलो बैठो बैठो भी तो परिवार के सदस्य है जहाँ जिसके साथ जो जरूरत पड़ी मेरे साथ इनकी जरूरत पड़ी तो ये मेरे साथ खड़े हैं हम आज भी आपके साथ हमेशा हमेशा रहेंगे मिल ऐसे ही चलती है मिल नाम होता मिल के सब सही हो जाऊंगा लेकिन जो परिवार को मानकर सुमित नहीं तो पता टेंडर हो लिया बैठने वाले बैठो सुनो भाई आएंगे।
हम उन्हें बुलाएंगे और हम उन्हें अपनी मांग प्रेस के आगे सबको देंगे, जो भी डिसीजन होगा वो हम लिखित में। चलो भाई बैठो। बस।